Welcome back 10th class. Today you are studying about federalism, second chapter of political science. Students, आप first chapter पढ़ चुके हैं power sharing. Power sharing के base पे ही students ये chapter जो है बहुत निर्भर करता है. उसी का base इस chapter में जो और detail से जो उभर के आता है. आपने देखा first chapter में Belgium की story की Belgium में कैसी government अपनाई थी और कैसे वहाँ की गवर्नमेंट स्मूथली चली और वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो हैप्पी हुए लास्ट में, है ना. वहाँ के डिफरेंसेस जो है मायने नहीं रखते थे. वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया था टू लेवल्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आप पढ़ चुके हैं पावर शेयरिंग में. तो बच्चों, उसी का जो रूप है फेडरलिज्म गवर्नमेंट है कि जिस भी देश में गवर्नमेंट टू लेवल या टू से अधिक लेवल पे डिवाइडेशन होती है उसको जो है फेडरलिज्म गवर्नमेंट बोला जाता है. जैसे कि हमारी इंडिया में इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चे, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की डिवाइडेशन डेफिनेशन है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एज सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल. मेन जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के टू लेवल्स होते हैं, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बटी होती है. सेंट्रल लेवल जो है अपना बिल्कुल फ्रीली वर्क करती है एंड स्टेट लेवल भी पूरी फ्रीली वर्क करती है. इट इज़ नॉट सबॉर्डिनेट ऑफ सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल उसके ऊपर कोई भी जो है उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते स्टेट लेवल के ऊपर. जैसे आप कैसे देखेंगे गवर्नमेंट को, जैसे सेंट्रल लेवल में प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, सांसद है, और स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, है ना. चीफ मिनिस्टर उनकी विधानसभा है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी फिक्स होती है. ये सब लेवल हैं गवर्नमेंट के जो कि अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है. अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होता है और गवर्नमेंट जो है एक ही पीपल होते हैं. जैसे कंट्री के वही जो सिटीजन है वही एक स्टेट के सिटीजन है, बट दोनों का एरिया डिवाइडेड होने से जो है, जैसे हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी होने से बहुत स्मूथली जनसंख्या का जो है रूल रेगुलेशन चल सकते हैं, जिससे कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट को अपनाया जा सकता है. और बहुत सी कंट्री में फेडरलिज्म आज की डेट में अपनाई गई एक फॉर्म है गवर्नमेंट की. अब इसके देखेंगे बच्चों फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फीचर्स क्या है फेडरलिज्म की, इसकी विशेषताएं क्या है. फर्स्ट है देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इसमें एक लेवल से ज़्यादा या दो लेवल या उससे भी ज़्यादा के लेवल जो है होते हैं. जैसे कि किसी किसी कंट्री में एक लेवल पे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल. जैसे कि अमेरिका में है केवल एक लेवल पे गवर्नमेंट है, वहाँ के राष्ट्रपति है और सारी गवर्नमेंट उनके पास है. उनका ही जो रूल रेगुलेशन जो है पूरे देश में चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है. बट जैसे अपने देश में है हमारा स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल की अलग है, और इससे नीचे की लेवल भी हमारे देश में विद्यमान है जो कि 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन आइडिया के द्वारा बनाया गया था. इसके बारे में स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे. आगे हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक लेवल पे जब गवर्नमेंट डिवाइडेशन होती है तो उसको फेडरलिज्म गवर्नमेंट बोलते हैं. ये इसका मेन फीचर है. सेकंड है ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन. अपनी अलग से ज्यूरिडिक्शन मींस लेजिस्लेचर है, टैक्सेशन है, टैक्स लेने का जो अधिकार है, और जो लेजिस्लेचर सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ के, जो जैसे MLA वगैरह बनते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है, विधानसभा है, ये सब हर स्टेट की अलग अलग है, और पार्लियामेंट वो सेंट्रल लेवल पे है वो सेंट्रल लेवल की अलग है. तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग हर एक को अपना जो है एक रूल करने का अधिकार है और अपने जो भी डिसीजन है वो फ्रीली ले सकते हैं. थर्ड है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. मींस हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसमें लिखा हुआ है फेडरलिज्म सिस्टम हमारे देश में लागू होगा. बट अगर उसमें कोई भी लॉ अगर चेंज करना है ओनली सेंट्रल लेवल या ओनली स्टेट लेवल उसको चेंज नहीं कर सकती. सभी की
जो है मिल के ही सभी के द्वारा ही वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कानून जो है चेंज किया जा सकता है दोनों की सलाह से। फोर है कोर्ट्स हैव द पावर इन इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो हर लेवल पे सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे कोर्ट बटी हुई है जुडिशरी बटी हुई है सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है और नीचे उसके जो विलेज लेवल वगैरह पे है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ठीक है बच्चों और उस पर पंचायत है विलेज लेवल पे। तो इस तरह से जो कोर्ट बटी हुई है उनको अधिकार है कि अगर स्टेट में और सेंट्रल में ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाता है कंफ्लिक्ट हो जाती है उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कौन सा काम कौन से लेवल की गवर्नमेंट का है तो उस जो है कंफ्लिक्ट को कौन सुलझाता है सुप्रीम कोर्ट जो है जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को सुलझाता है और उसका उसकी जो जो भी डायरेक्शन होता है वो सब दोनों गवर्नमेंट को माननीय होता है ठीक है बच्चों। जैसे कि और फाइनल डिसीजन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है और फाइनल डिसीजन वो लेके इन दोनों के झगड़े को सुलझा सकता है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड और जो गवर्नमेंट किस जरिए चलती है बच्चों पैसे से और पैसा किससे आता है गवर्नमेंट के पास टैक्स लेने से। टैक्स जो भी हर गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी सिटीजन्स आती हैं जितनी भी सीमाएं आती हैं उतने सिटीजन से टैक्स लेने का अधिकार हर लेवल की गवर्नमेंट के पास अलग अलग है और उस टैक्स से ही गवर्नमेंट अपना जो है खर्चा निकालती है। तो समझ गए बच्चों जो है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जिसकी विशेषताएं क्या है और इसे आगे हम पढ़ेंगे यूनिटी गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म गवर्नमेंट में डिफरेंसेस।